श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को राहु परेशान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को केतु परेशान कर रहे हैं, या जिस व्यक्ति को शनि ग्रह या साढ़े साती ढैया ये सब ग्रह जिस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, वो सब व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सब ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो यह कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए भी थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। यह सब ग्रह जिसको परेशान करते हैं, राहु केतु अगर परेशान कर रहे हैं, तो आप किसी भी कार्य को करना चाहेंगे उस कार्य में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, आपके हर एक कार्य में रुकावट आएगी, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। आप जो भी काम करना चाहेंगे आपको उस काम में बहुत रुकावट आएगी। और अगर आपको शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं या आपको साढ़े साती चल रही है, तो आप कितना भी कमाई कर लेंगे, आपको कितना भी कमाई हो जाए, आपको कितना भी अच्छा इनकम हो जाए, लेकिन आपके पैसे को पता नहीं चलेगा। आपकी जितनी भी कमाई होगी उतना आपको खर्चा बढ़ता जाएगा। और शनि ग्रह का परेशान करने का मतलब सबसे आसान आइडिया और सबसे आसान तरीका पूज गुरु जी ने बताए हैं, कमर के नीचे का वस्त्र जैसे पैंट हो गया या अंडरवियर हो गई, अगर बार बार आपके फट रहे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपको शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं या साढ़े साती या ढैया आपको चल रही है। इसके लिए आपका कमर के नीचे का वस्त्र अपने आप कहीं ना कहीं फट जाता है। आप खरीद के लाते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना दिन पहनते हैं और आपके कमर का नीचे का वस्त्र अगर कहीं फट रहा है, बार बार आप परेशान हो गए हैं वस्त्र बदलते वक्त, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जरूर साढ़े साती या शनि ग्रह परेशान कर रहे हैं। तो ये सबसे बचने के लिए आपको पूज गुरु जी ने एक बहुत आसान और बहुत सरल तरीका बता रखे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी है तो आप यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की जरूरत नहीं है। यह उपाय करने के लिए आप एक सफेद पुष्प लेकर किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं, शंकर भगवान के देवालय में चले जाएं। शनिवार के दिन आप यह सफेद फूल लेकर शंकर भगवान के शिवालय में जाकर अपने सिर के ऊपर से 21 बार उतार लें। 21 बार उतारते समय आपको राहु केतु का स्मरण करते हुए अपने सिर के ऊपर से 21 बार उतार लें और उतार कर शंकर भगवान के जलाधारी से जहां जल नीचे की ओर गिर रहा है उस स्थान पर आप राहु केतु को स्मरण करते हुए उस पुष्प को समर्पित कर दें और आप अपने घर चले आए। उसी दिन से आपका जो भी राहु केतु शनि ढैया साढ़े साती जो भी ग्रह है वह धीरे धीरे शांत हो जाएगी और आपको अपने कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपके काम में जो रुकावटें आ रही थी, आपके काम में जो भी परेशानियां आ रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होने लगेगी। इसके लिए यह उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।